नमस्कार दोस्तों, सीएससी वेली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको सीएससी के एक नए अपडेट के बारे में, सीएससी के एक नए पोर्टल के बारे में जिसका नाम है सीएससी सफ़र। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्या है सीएससी सफ़र पोर्टल, कौन कौन से इसमें सर्विसेज हैं और कैसे आप इस नए पोर्टल नई सर्विस का लाभ उठाएंगे, सारी चीज़ें एक एक करके इन डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चले चलते हैं सीएससी सफ़र के वेबसाइट पर। इसका यूआरएल है csisafar.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। लिंक को ओपन करते ही कुछ ऐसा दिखेगा आपको वेब पेज, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन चला आएगा और इसे आपको चेकबॉक्स पर चेक कर देना है, फिर प्रोसेस टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक और ऑथराइजेशन चला आएगा और पूछेगा डू यू ऑथोराइज सीएससी सफ़र, तो आपको यस कर देना है। ये सिर्फ पहली बार ही लॉगिन में आएगा, दोबारा से ये वाला पार्ट आपका नहीं आएगा। ठीक है, आपको यस करना है। उसके बाद चले आएंगे आप सीएससी सफ़र के टिकट बुकिंग वाले पेज पे। ये लगभग पुराने पेज की तरह है, थोड़े बहुत इसमें चेंजेस हैं और ये ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चेक पीएनआर का स्टेटस मिल जाता है आपको, उससे पहले बुक ट्रेन टिकट का ऑप्शन मिल जाता है। टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्रेन सर्च करना है। तो यहाँ पे जो पहले सर्च का ऑप्शन था उससे ये सर्च का ऑप्शन काफ़ी बेटर है और काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। तो सर्च करने के लिए आप जैसे स्टेशन का कोड यहाँ पे टाइप करेंगे, स्टेशन की लिस्ट चली आएगी, आप जो भी चूज़ कर ले या फिर टाइप कर दें, फिर आपको टू वाले पार्ट पर चले जाना है। यहाँ पर भी आपको स्टेशन चूज़ कर लेना है, फिर डेट सेलेक्ट कर लेनी है और सर्च पर क्लिक करना है, फाइंड ट्रेन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइंड ट्रेन पर करेंगे क्लिक करेंगे, ट्रेन की पूरी लिस्ट यहाँ सामने चली आएगी। ठीक है, अब इस पेज का ग्राफिक थोड़ा सा बढ़िया है और काफ़ी फास्ट भी है, और एक और फैसिलिटी इस पर ज़्यादा है जो पिछले वेबसाइट पर नहीं थी सीएससी की, वो है कि यहाँ पे आप देख पा रहे जनरल, लेडीज़, तत्काल और सीनियर सिटीजन, ये चारों कोटाज यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप जिस भी कोटा का टिकट चेक करना चाहते हैं ना, आपको सिंपल उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जाके स्लीपर एसी या सेकंड एसी फर्स्ट क्लास जिस पे भी आप चेक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो उस कोटे के अंदर आरक्षित सारे सीटें आपको यहाँ पे ऊपर ही दिख जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ये आप देख पा रहे हैं संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 1 अगस्त, यहाँ पे इतनी सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब टिकट बुक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बुकिंग वाला पेज ओपन हो गया। और सबसे पहले हमें क्या करना है कि मोबाइल नंबर, जो कस्टमर का, जो पैसेंजर का मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। तो ये ओटीपी वेरिफिकेशन टिकट बुक करते टाइम में पहले नहीं होता था, यहाँ पे अभी एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है ताकि मोबाइल नंबर गलत ना हो पाए। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे मोबाइल नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद टैप देंगे, वैसे ही आपको कुछ इस तरह से मैसेज देखने को मिल जाएगा, एन ओ टी पी इज सेंड टू दिस नंबर, प्लीज़ एंटर ओ टी पी एंड वेरीफाई द पैसेंजर मोबाइल नंबर। ओके, तब भी आपको क्या करना है, जो मोबाइल नंबर उस पैसेंजर के मोबाइल नंबर पर जो ओ टी पी जनरेट हुआ है उस ओ टी पी को यहाँ पर टाइप कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे ना, मोबाइल नंबर के बगल में आप ग्रीन कलर का ये राइट सिंबल आप देख पाएंगे, वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन कलर का दिख जाएगा, आपको ये नंबर वेरीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, आप पैसेंजर ऐड करेंगे। तो पैसेंजर ऐड करने के दो तरीके हैं, पहला है सिंपल, यहाँ पे आप पैसेंजर का नाम, एज, मेल फीमेल, कंट्री और बर्थ, लोअर अपर, जो भी है चूज़ करके आप ऐड कर देंगे। और दूसरा है मास्टर लिस्ट। तो पहले हम नॉर्मल वाले को समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही रो नज़र आएगा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा पैसेंजर है तो आपको क्या करना है, ऊपर सेलेक्ट योर पैसेंजर, सेलेक्ट नंबर ऑफ पैसेंजर पर जाना है और यहाँ पे चूज़ कर लेना है कितने पैसेंजर आपको रखने हैं। ठीक है, कितनी रो होगी यहाँ पे। अब मैं 4 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए नंबर ऑफ पैसेंजर की यहाँ पे संख्या 4 हो गई। अब 4 पैसेंजर का हम यहाँ नाम लिख देंगे, एज, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्री तो इंडिया रहेगा और बर्थ प्रेफरेंस जो भी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 करूँ तो ये 2 पैसेंजर का आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको रो चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर पैसेंजर ऐड हो जाएगा और फिर आगे प्रोसेस कर देना है। और दूसरा ऑप्शन है मास्टर लिस्ट का। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम पैसेंजर की ऑलरेडी लिस्ट पहले से हम सेव करके रखेंगे और वहाँ से हम डायरेक्टली पैसेंजर को ऐड कर लेंगे।
तो मास्टर लिस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ये पूरा ग्रुप जो है ब्लैंक आ रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मास्टर लिस्ट में कोई भी डेटा नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मास्टर लिस्ट क्रिएट करना है। तो मास्टर लिस्ट किनका क्रिएट करते हैं, जो कस्टमर बार बार आपके पास टिकट काटने आते हैं, या आपको लगता है कि जो टिकट आज आप काट रहे हैं ये कस्टमर वापस से भी आपके पास आएगा टिकट काटने के लिए, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, मास्टर लिस्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऊपर ये जो मास्टर लिस्ट दिख रहा है ना मेन मेनू पे, इस पे हमें चले जाना है। ठीक है, होम पे आके इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पेज हमारे सामने चला आएगा मास्टर लिस्ट का। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी मास्टर लिस्ट आपने क्रिएट कर रखी है सभी एक एक करके दिख जाएंगी। अगर कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है कि क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और इस तरह से फॉर्म चला आएगा। यहाँ पे फिर पैसेंजर का, ये अपना नहीं है, ये पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है, OTP वेरीफाई कर देना है। अगर इस पोर्टल पर ऑलरेडी आपने OTP वेरीफाई किया हुआ है तो मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप टैप देंगे यहाँ पे ये ग्रीन कलर का चेकबॉक्स चला आएगा, इसका मतलब ही ये पैसेंजर का जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड है। अब दोबारा से इसे वेरीफाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप ग्रुप का नाम डाल देंगे, जैसे जो भी है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी वाले हैं, कोई दुकान वाले हैं, कोई मार्केट वाले हैं, कोई शॉप वाले हैं, अलग से गांव के नाम से भी आप ग्रुप तैयार कर सकते हैं। जैसे भी आप ग्रुप तैयार करना चाहते हैं ग्रुप का नाम डाल दें। ठीक है, अब उस ग्रुप में जितने भी पैसेंजर आप क्रिएट करना चाहते हैं उन सारे पैसेंजर की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर दें। टोटल यहाँ पे संख्या 9 6 पैसेंजर की है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 2 3 4 जितने भी पैसेंजर अवेलेबल हैं, नाम जिनका अवेलेबल है उनकी लिस्ट आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 इंटर किया हुआ है, और फिर आपको यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस चूज़ करना है कि अपर लोअर या मिडिल क्या होगा, और फिर आपको यहाँ पे फूड चॉइस कर लेनी है कि वेज नॉन वेज या नो फूड होगा। ठीक है, अगर आपने कहीं गलत एंट्री कर रखा है उसे अगर डिलीट करना चाहते हैं तो ये जो क्रॉस का बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो रो का डेटा है पूरा है, वो डिलीट हो जाएगा। मतलब रो तो रहेगा, डेटा उसका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर डेटा को एंट्री कर लेंगे जितनी पैसेंजर की एंट्री करनी है, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मैसेज चला आएगा डेटा एडेड सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि ये जो डेटा है आपने एंटर कर लिया है वो एंटर हो गया है। अब क्या करना है, वापस से आपको मास्टर लिस्ट पे चले आना है और यहाँ पे ऊपर जो आपने ग्रुप तैयार किया हुआ था वो ग्रुप दिख जाएगा और इसे डिलीट करना होगा। तो आप ये रेड कलर का बटन पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको इसे देखना है, व्यू करना है, तो ये नीला कलर का जो व्यू वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये है ग्रुप 1 के पैसेंजर का लिस्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या कि मास्टर लिस्ट सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, टिकट के अंदर मास्टर लिस्ट को मतलब पैसेंजर को इंपोर्ट करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो सीधे चलते हैं टिकट वाले पेज पे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद ठीक है हम क्या करेंगे, मास्टर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। पैसेंजर का यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, अब मास्टर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी ग्रुप है ना सारे ग्रुप एक एक करके दिख जाएंगे। मैं ये ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस ग्रुप के अंडर में जितने जितने पैसेंजर हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। और कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप में बहुत सारे पैसेंजर होंगे लेकिन उनमें से किसी एक या किसी दो का ही टिकट आपको बनाना है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, उस पर्टिकुलर पैसेंजर को ही सेलेक्ट करेंगे। अगर सबका करना है तो यहाँ पे क्लिक ऑल करेंगे तो सारा पैसेंजर टोटल पैसेंजर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पैसेंजर को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे और ये पैसेंजर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा एकदम सेम है, जैसे यहाँ पे ऑटो अपग्रेड चूज़ करनी है, फिर आपको इंश्योरेंस के लिए यस नो करना है, फिर कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक करना है, और ये जो अमाउंट दिख रहा है पेमेंट करते हुए IRCTC लॉगिन के साथ आप टिकट बुक कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक लाइव वीडियो में टिकट भी बुक करके दिखाऊंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं इस पोर्टल की। तो ये तो गई टिकट बुकिंग की बात, अब हम जान लेते हैं कि इसमें और कौन कौन से फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर आप चले आएंगे बुकिंग हिस्ट्री के ऊपर, तो यहाँ पे आपको अपकमिंग जर्नी दिख जाएगी, मतलब जो रिसेंट जिन टिकट का जर्नी होना है वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। उसके बाद टिकट हिस्ट्री आपको नीचे मिल जाएगी, उसके नीचे ओल्ड टिकट हिस्ट्री, और कैंसिल टिकट का लिस्ट अगर देखना है तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, और वेट लिस्ट टिकट या ड्रॉप PNR देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। रिफंड के बारे में जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा, और नीचे जो फेल टिकट है
जो सक्सेसफुल बुक नहीं हुई हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, TDR वगैरह फाइल करने के लिए यहाँ से जाके आप TDR वगैरह फाइल कर सकते हैं और TDR की हिस्ट्री आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और प्रोफाइल वगैरह आपको चेक करना है तो यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहा है, नाम के ऊपर आप एरो डाल के जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको CSE ID भी दिख जाएगी और IRCTC की एजेंट आईडी भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ओवरऑल यही है आपका CSE सफर का पोर्टल। तो दोस्तों ये रहा मेरा एक वीडियो CSE सफर के पोर्टल के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट डे, जय हिंद जय भारत।